क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आर्टिकल लिखना, जो कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में जो है पूछा जाएगा, और यह जो है 6 नंबर में पूछा जाएगा, और यह आपके मॉडल पेपर में भी पूछा गया है। यूपी बोर्ड के जो वेबसाइट पर दिया गया मॉडल पेपर है, उसमें भी पूछा गया है। तो यह दोस्तों आप लोगों को 100% यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में मिलने वाला है, तो इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आर्टिकल किस पे लिखना है। तो आर्टिकल लिखना है इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक। इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक यानी कि सुबह सुबह जो है टहलना जो है कितना इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इस पे जो हम लोग को आर्टिकल लिखना है, तो देखिए पहले जो है दिया गया है इंट्रोडक्शन, इसके बाद फ्रेश एयर, कुछ हेडिंग दिए गए हैं, इस पे हेडिंग बना के लिख देना है आप लोगों को। तो देख लीजिए इसको हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ जो है आप लोग को बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में जो है हम लोग लिखेंगे कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही जो है क्या है, धन है। वी शुड प्रिजर्व आवर हेल्थ। प्रिजर्व मैंने होता है बचा के रखना चाहिए, यानी कि वी शुड प्रिजर्व आवर हेल्थ। हमें जो है अपने स्वास्थ्य को जो है क्या करना चाहिए, बचा के रखना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए। ए मॉर्निंग वॉक कैन डू वंडर्स फॉर वंस बॉडी। ए मॉर्निंग वॉक, सुबह का जो टहलना है, कैन मैंने कर सकता है, डू वंडर्स, आश्चर्यजनक मैंने आश्चर्य, फॉर चमत्कार, एक तरह से समझिए चमत्कार कर सकता है, फॉर वंस बॉडी, एक जो है शरीर के लिए, एक व्यक्ति के लिए, मैंने सुबह सुबह का जो टहलना जो है हम एक व्यक्ति के लिए जो है क्या आश्चर्य कर सकता है, आश्चर्यजनक कर सकता है, मैंने चमत्कार कर सकता है। वांडर मैंने चमत्कार या आश्चर्य कर सकता है, तो यहाँ पे चमत्कार होगा, वांडर्स मैंने, ठीक है। तो चमत्कार कर सकता है सुबह सुबह का टहलना। अब इसके बाद से जो हम लोग लिखेंगे फ्रेश एयर, तो फ्रेश एयर में हम लोग लिखेंगे द फ्रेश एयर इन द मॉर्निंग गिव्स अस प्लेजर। जो सुबह सुबह की जो ताज़ी फ्रेश मैंने ताज़ी एयर मैंने हवा इन द मॉर्निंग सुबह में सुबह की जो गिव्स अस जो है प्लेजर, प्लेजर मैंने होता है खुशी, गिव्स मैंने देता है, जो हमें जो है क्या खुशी देता है। द फ्रेश एयर इज़ वेरी हेल्पफुल, और जो ताज़ी हवा होती है वह बहुत ही जो है हेल्पफुल होती है, सहयोगी होती है, फॉर आवर लंग्स, हमारे जो है फेफड़ों के लिए। फ्रेश एयर प्योरीफाई द ब्लड, और फ्रेश एयर जो है प्योरीफाई करता है, शुद्ध करता है द ब्लड ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर की जो है ब्लड को, रक्त को, ठीक है, खून को। एंड एंड फिल्स आवर लाइफ विथ हैप्पीनेस, और हमारे जो है जीवन में जो है खुशियाँ भर देता है, और हमारे जीवन में क्या करता है, खुशियाँ भर देता है। सो दैट मॉर्निंग वॉक इज वेरी बेनिफिशियल, इस प्रकार जो है सुबह का टहलना जो है बहुत ही जो है क्या है, बेनिफिशियल है, लाभदायक है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला हेडिंग देखिए, करा कीप्स एक्टिव एंड हैप्पी ऑल डे। तो मॉर्निंग वॉक इज कीप एक्टिव, मॉर्निंग वॉक यानी कि सुबह का टहलना हमें जो है क्या करता है, सक्रिय रखता है, एक्टिव मैंने होता है सक्रिय या फुर्तीला रखता है, एंड हैप्पी और खुश रखता है ऑल डे, पूरे दिन। मॉर्निंग वॉक्स गिव पॉजिटिव थिंकिंग, और मॉर्निंग वॉक जो है हमें जो है सकारात्मक सोच देता है, और सकारात्मक सोच, पॉजिटिव पर्सन मैंने सकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति, कैन अचीव एनी गोल मैंने प्राप्त कर सकते हैं, कैन मैंने सकते हैं, अचीव मैंने प्राप्त करना, एनी गोल किसी भी लक्ष्य को, मैंने एक जो है सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इट इज टाइम व्हेन द माइंड इज फ्रेश, और यह वह समय होता है जब दिमाग फ्रेश रहता है, एंड द बॉडी इज एक्टिव, इट इज राइटली सेड, और एंड द बॉडी इज एक्टिव, और जो है शरीर क्या करता है, सक्रिय रहता है। इट इज राइटली सैड मैंने वास्तव में मैंने यह कहा गया है, इट इज राइटली सैड का मतलब हुआ, इट इज राइटली सैड का मतलब हुआ कि यह सत्य कहा गया है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी एंड वाइज, मैंने अर्ली टू बेड सुबह मैंने शाम को जो है जल्दी सोना, अर्ली टू बेड का मतलब जल्दी बिस्तर पे जाना यानी कि जल्दी सोना, एंड अर्ली टू राइज और जल्दी जगना मेक्स ए मैन आदमी को बनाता है हेल्दी एंड वाइज। हेल्दी का मतलब होता है स्वास्थ्य, एंड वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान। तो आदमी को जो है क्या बनाता है, स्वस्थ बनाता है और बुद्धिमान बनाता है। फिर आगे देखते हैं, इसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं गुड फॉर स्टडीज, मैंने अध्ययन के लिए भी जो है यह अच्छा होता है। मॉर्निंग वॉक इज द गुड फॉर स्टडीज, मॉर्निंग वॉक जो है
सुबह का टहलना इज द गुड फॉर स्टडीज, पढ़ाई के लिए या अध्ययन के लिए जो है अच्छा होता है, बिकॉज क्योंकि मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम टू स्टडीज, क्योंकि जो है सुबह जो है क्या होता है, इज द बेस्ट टाइम, सबसे अच्छा समय होता है टू स्टडीज, अध्ययन के लिए। ठीक है, ए पर्सन हु वर्क्स इन द मॉर्निंग रिमेंस जो है हेल्दी एंड हेल्दी, मैंने ए पर्सन हु वर्क्स इन द मॉर्निंग, यहाँ तक देखिए, ए पर्सन हु वर्क्स इन द मॉर्निंग, जो व्यक्ति जो है सुबह में टहलता है, रिमेंस मैंने रिमेंस हेल्दी, वह हमेशा, रिमेंस मैंने हमेशा, बार बार यानी कि हमेशा जो है क्या रहता है, हेल्दी, स्वस्थ रहता है। एंड और जो है स्वस्थ व्यक्ति, ए एंड हेल्दी मैन हैज ए हेल्दी माइंड, और जो एक स्वस्थ व्यक्ति जो होता है वही जो है क्या स्वस्थ दिमाग रखता है, और जिसका दिमाग स्वस्थ होगा वह जो है बेहतर काम करेगा। तो देयर फॉर मॉर्निंग वॉक इज़ वेरी बेनिफिशियल, इस प्रकार जो है मॉर्निंग वॉक यानी कि सुबह का टहलना जो है बहुत ही लाभदायक है फॉर द पीपल हु स्टडी, जो भी व्यक्ति अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं या अध्ययन करते हैं कोई भी चीज। ठीक है, कंक्लूजन, ऑल हेल्दी पीपुल गो फॉर मॉर्निंग वॉक, मैंने सभी जो है, मैंने निष्कर्ष यह निकलता है कि सभी जो जो भी स्वस्थ व्यक्ति हैं वह जो है डेली बाय डेली जो है क्या करते हैं, मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं। मॉर्निंग वॉक इज जो है इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग गुड फॉर जो है हेल्थ, और मॉर्निंग वॉक इसेंशियल मैंने होता है आवश्यक फॉर मेंटेनिंग, मैंने जो है मेंटेनिंग मैंने होता है कौन सी, सुधार बनाए रखने के लिए, मेंटेनिंग मैंने होता है एक तरह से बनाए रखना, गुड हेल्थ मैंने एक जो है अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हम लोगों को मॉर्निंग वॉक जो है बहुत ही आवश्यक है। तो इस प्रकार से दोस्तों यह आपका जो है आर्टिकल्स जो है समाप्त हुआ, और इसको जो है अच्छे से नोट करके और इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, एक दो मैंने दो चार जो है कम से कम आप लोग जो है आर्टिकल्स तैयार कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।